नगर पंचायत दिनेशपुर के सीमा अंतर्गत छठ घाट के पास रामबाग पुल के नीचे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसके चलते नदी के अंदर से भयंकर बदबू फैल रही है। आसपास के लोगों के अलावा छठ घाट में पूजा अर्चना करने वाले लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते संक्रामक रोग फैलने की संभावना जताई जा रही है। नदी का पानी दूषित हो चुका है, पुल से गुजरने वाले लोगों को नाक पे रुमाल रखकर चलना पड़ रहा है। इस बारे में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंचाई विभाग को अवगत कराया जाएगा और जल्द ही नदी की सफाई कर दी जाएगी और कूड़ा डालने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जिस नदी की आप बात कर रहे हैं वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है और बीच में सिंचाई विभाग ने कुछ नहरों की सफाई भी करवाई है, हमने उनको बोला है। तो वो जो नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है तो हमने सिंचाई विभाग वालों को जल्दी ही उनसे पत्राचार करके उस नदी को सफाई करवाते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे छठ पूजा है तो हम और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि उस नदी के आसपास कूड़ा करकट ना फेंके और जल्दी ही सिंचाई विभाग के पास जाके उसको उचित कार्रवाई करते हैं। छठ पूजा भी है जो यहाँ पे पूर्वांचल वाले यहाँ पे छठ पूजा भी करते हैं और हमारे बंगाली समाज में भी जो एक दशाश्राद्ध कहते हैं घाट श्राद्ध वो भी यहाँ के करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बाज़ार के मार्केट के कुछ लोग जो मुर्गी का और मछली का जो कवाड़ा है यहाँ के फेंकता है, उसी वजह से जो गंदगी है और वो है जो बदबू आ रहा है, यहाँ पे ना हम लोग खड़ा होकर कोई पूजा पाठ कर पा रहे हैं ना यहाँ पे जो एक जो